सायंकालीन सत्र में आरोग्य सभा के माध्यम से जड़ी बूटियों के महत्व के बारे में समझाने का हम प्रयास करेंगे और यह बहुत ही सुंदर और स्वच्छ जगह जहाँ पे पीपल, पाकड़ और बरगद ये तीनों पौधे और नीम का भी वृक्ष यहाँ पर उपस्थित है, तो वैसे पवित्र सानिध्य में बैठ करके हम सायंकालीन सत्र में हम योग सभा का शुरुआत करते हैं। तो आइए आंख बंद करेंगे। सभी ऐसे पवित्र और पावन अभ्यास के लिए एकत्रित हो रहे हैं और ऐसा अभ्यास हम सुबह और शाम करके हम अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, अपने विचारों को शुद्ध करेंगे और जब हम योग और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा और जब हम बीमार नहीं होंगे तो हमारा जो कमाया हुआ पैसा होगा वो कभी दवाओं में नहीं लगेगा, ना कभी डॉक्टर के यहाँ जाएगा। तो हम लोग गरीब रहेंगे कि अमीर होंगे? गरीब रहेंगे। बोलिए, पैसा जब डॉक्टर के यहाँ जाएगा तो हम लोग गरीब बनेंगे और जब पैसा डॉक्टर के यहाँ और दवाओं में नहीं जाएगा तो उस पैसा से हम लोग कोई दूसरा काम करेंगे, बच्चों का पढ़ाई का, बच्चों के लिए भोजन का, कपड़े और उसके अलग अलग तरह के साधन को भी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। तो आइए दो दो मिनट का फिर हम अभ्यास करते हैं। अब जिनको हाथों में दर्द है, जिनको लकवा लगा है या लकवा लगने की संभावना है या माथा में दर्द है, तनाव है, क्रोध है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, नस नाड़ियों में झिझिली पैदा होता है, इन सारे समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं केवल और केवल योग और प्राणायाम के अभ्यास से। तो आइए हम दो मिनट का अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। बोलिए, कौन सा प्राणायाम? इसमें कितने सेकंड सांस भरेंगे, कितने सेकंड छोड़ेंगे, कितने मिनट करेंगे? बहुत बढ़िया। आंख बंद करिए सभी और धीरे धीरे सांस को भरिए। फिर धीरे धीरे सांस को 5 सेकंड तक छोड़िए। जल्दी जल्दी नहीं भरना है, धीरे धीरे 5 सेकंड समय लगे। 5 सेकंड से आप ज्यादा समय भी लगा सकते हैं तो और आपके लिए लाभकारी हो सकता है। हवा पेट में नहीं ले जाना है, हवा को फेफड़े में भरना है। सांस भरते समय अपने डायफ्राम को फैलता हुआ महसूस करिए और सांसों को छोड़ते हुए अपने सीने को सिकुड़ता हुआ महसूस करिए। ऐसा करते करते हमारे भीतर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता हुआ और जितना हम सांस भरेंगे उतना ही हमारे भीतर के रक्त शुद्ध होते जाते हैं। केवल ऐसा अभ्यास करने से आप दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, सांसों की बीमारी, हाफ की बीमारी, कैंसर की बीमारी, गैस कब्ज की समस्या, माइग्रेन, अधकपारी की समस्या, घुटना दर्द हो, कमर दर्द हो, एक्जिमा हो, सोरायसिस हो, सफेद दाग हो, नस नाड़ियों में झिझिनी आ रहा हो, धीरे धीरे सांस को भरिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए।
आँख बंद और इस अभ्यास को करते समय सबका ध्यान सांसों पर टिका हुआ हो। धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे और महसूस करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सांस ले रहे थे।